सर जमीन हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आरिफ कुरैशी और आप देख रहे हैं जी आरिफ जी यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूं कि घुटनों में सूजन, जोड़ों में सूजन और जैसे महिला या पुरुषों के पेट में सूजन हो जाती है तो उसके लिए हम क्या करें और किस तरीके से बिना दवाई खाए हुए उसका इलाज किया जा सके। मसलन सर्दी का टाइम आ रहा है, 2 महीने के बाद सर्दी शुरू होने वाली है, बहुत सारे लोगों को घुटने में दर्द होने लगता है, जोड़ों में दर्द होने लगता है, महिलाओं को पेट में सूजन या पुरुषों की नाभ का उखड़ जाना। ऐसी स्थिति में अगर आप इन सारी चीजों से परेशान हैं तो आपको हम एक ही केवल पत्र बता देते हैं जो आप गुनगुना करके उसे बांध लेंगे तो आपके दर्द में पूरी तरीके से राहत होगी और आपके जोड़ों की सूजन या घुटनों के जोड़ों की सूजन या महिलाओं के पेट में सूजन, नले उखड़ जाना, इसके लिए बेहद ही कारगर है जो कि आपको मैं लेकर आया हूं आज फिर जी आरिफ जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आपसे मैं फिर भी विनम्र निवेदन करता हूं कि अगर अभी तक हमारे जी आरिफ जी यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक करें और कमेंट करें। तो दोस्तों ये देख लीजिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूं, आप इसे तो पहचान ही गए होंगे, इस पौधे को। जी हाँ दोस्तों, आप सोचते हो कि डॉक्टर साहब क्या क्या लेकर आते हैं, क्या क्या दिखाते हैं। अब इसका मैं एक पत्ता तोड़ लेता हूं और इसका पत्ता तोड़ने के बाद आपको बहुत गौर से दिखाता हूं, बहुत ही इत्मीनान से आप देख लीजिएगा, आप इसे जान ही गए होंगे और अगर नहीं जाने होंगे तो मैं इसे हर भाषा में आपको बताने के लिए भी बाध्य हूं कि किस भाषा में इसे क्या कहा जाता है, ये भी आप जान लीजिएगा जिससे आपको कोई भी व्यक्ति अनाड़ी ना समझे और ये जान ले कि हाँ ये व्यक्ति वास्तविक वैद्य है। तो चलिए दोस्तों, इसको संस्कृत में कहते हैं वर्धमान और बहुत सारे नामों से संस्कृत में कई तरीके से जानते हैं और आपको हिंदी में कहते हैं आरंड और अंडी भी कहा जाता है मेरे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, और गुजराती में एरेंडो कहते हैं और मेरे दोस्तों मराठी में अरंडी कहा जाता है और उधर बंगाली में भेरेड़ा, जी हाँ दोस्तों बंगाली में भेरेड़ा कहा जाता है इसको, और मलयाल में अमल वक्कू इसको कहते हैं और फारसी में बेद अंजीर, जी हाँ बेद अंजीर के नाम से इसे जानते हैं, चूंकि इसका भी फल नहीं है, नहीं तो मैं आपको जरूर दिखाता, फारसी में इसको बेद अंजीर के नाम से जाना जाता है और अरबी में खिरवज खिरवा। ये है दोस्तों इसके जो मुझे नाम पता थे वो मैंने आपको नाम बता दिए, अब मैं आपको इसका बेहतर उपयोग बताने वाला हूँ, किस तरीके से उपयोग करके महिलाएं अपने पेट की सूजन, नलों की सूजन, हाथ पैरों की सूजन, गठिया बाद की सूजन को जड़ से सही किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों एक बार फिर इसको तोड़ के आपको दिखा रहे हैं, ये देख लीजिएगा इस तरीके इसके पत्ते होते हैं, ये देख लीजिएगा और करीब से देख लीजिएगा। अब आपको इसको करना क्या है मेरे दोस्तों, बहुत ही छोटा नुस्खा है ये, अब आपको करना ये है कि आपको शाम के सोते वक्त एक पत्ता ये लेके आइएगा और एक पत्ता लाने के बाद आप इसको जो है इसमें अंडी का तेल यानी कि अरंड का तेल हल्का, पहले तो तवे में अरंड का तेल लगा दीजिएगा और उसके बाद तवे में अरंड का तेल लगाने के बाद उसको हल्का तेल को गुनगुना कीजिएगा और गुनगुना करने के बाद इस पत्ते को तवे पर रख दीजिएगा और जब ये पत्ता हल्का सा गुनगुना हो जाए तब आपको ये नहीं रखना है, ये तोड़ ही देना है, तब इस तरीके से आपको जैसे यहाँ पर आपकी सूजन रहती है तो आपको यहाँ पर बांध लेना है, ऊपर से तागे से बांध लेना या रुमाल से बांध लेना या कपड़े से बांध लेना, पेट में सूजन है तो पेट में आप बांध लीजिएगा नीचे के पोर्शन में और जहां पर भी सूजन है आपको इसको बांध लेना है। दोस्तों इस सूजन के लिए बहुत ही अद्भुत उपयोग है, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए आप इसमें सूजन में आप इसको बहुत ही अच्छा उपयोग मिला सकते हैं। और मेरे भाइयों आपको एक चीज और बता दूंगी, गर्भवती महिलाएं इसको अपने पेट पर ना बांधें, इसे परहेज रखें, वरना कोई भी महिला इसको बांधे इसके अलावा उसकी सारी सूजन, गठियाबाद की सूजन, नलों की सूजन में बेहद कारगर साबित हुआ है और इसके बहुत सारे काम हैं जो कि हम कभी आपको इसके बारे में फिर चर्चा करेंगे।
तो दोस्तों लेते हैं विदा, मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ। तो देखते रहे दोस्तों ZRFC यूट्यूब चैनल, क्योंकि अभी मेरे दोस्तों बहुत कुछ बाकी है। तो जय हिंद, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।